देखें, बात यह है कि इस वक्त हमारा 3 दिन का सामान लूट चुका है, तो अभी हमारे नामुमकिन है हम इस स्टॉल को खोलें। हमारा जो रोटी बनाने का सामान था वो भी लोग यहाँ से ले गए, वो उनकी किसी काम का नहीं है। जो टोकन का सिस्टम था वो टोकन उठा के ले गए। वो चिकन 100 रुपए किलो, ये बात सच है आप दे रहे थे? कितनी मुर्गियां यहाँ पे मौजूद थी? बिल्कुल, चिकन हम 100 रुपए केजी दे रहे थे, जो मार्केट में 700 की मिल रही है। और इसमें याद रहे, ना गर्दन शामिल थी, ना कलेजी शामिल थी, ना कोई ऐसी गंदी चीज शामिल थी। हम चाहते हैं कि सफेद पोश आदमी 4 से 5 लोगों की फैमिली सहरी इफ्तार अच्छी तरह से करे और रोजा रखे, सहरी करे, रोजा ना छोड़े। अस्सलाम वालेकुम दीदी, क्या चल रहा है? खुश आमदीद माशाल्लाह सबको, रमजान मुबारक और रमजान की बरकत है। देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी है, तीसरा रोजा है। लेकिन यहाँ आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, 10 रुपए कुछ टाइम पहले 10 रुपए किलो फ्रूट, 5 रुपए की रोटी, 100 रुपए किलो चिकन थी। ये था कराची का पूरा अजीम इंसान फखरे पाकिस्तान हम्माद, जिन्होंने स्टार्ट किया था 5 रुपए रोटी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आए, उन्होंने डंडा मतलब इनके साथ तशद्दुद किया, डंडे उठाए मारे और इनकी पूरी टीम के साथ हमला किया। जो फ्रूट रखा हुआ था, रोटियां रखी हुई थी, रोटियों का सामान था, वो सब उठा के ले गए। जानने के लिए जुड़ रही मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो मिलती है। मिलवाते हैं हम्माद से। जी ये है कराची का पुरानी इंसान जिसने 10 रुपए किलो फ्रूट और 100 रुपए किलो चिकन दे रहा था, लेकिन कराची के आवाम ने फिर भी इनको जीने नहीं दिया। क्या हुआ इनके साथ, कब से कर रहे हैं, कब से ये फाउंडेशन चला रहे हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप कर रहे हैं? देखिए, ये फाउंडेशन तो हम 8 सालों से चला रहे हैं, लेकिन ये स्टॉल सब्सिडाइज का 3 सालों से चला रहे हैं। पहले साल हमने सिर्फ रोटी रखी थी 5 रुपए की, दूसरे साल हमने फ्रूट और सब्जी ऐड की, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल आज हमने चिकन भी ऐड कर। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 23 साल उम्र। 23 साल में इतने बड़े बड़े काम, इतना जज्बा कब से आपको पैदा हुआ है जज्बा? देखिये, ये सारा जज्बा आया था घर वालों से, क्योंकि मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। तो यही चीज हमारे खून में थी बचपन से आई है, और इस चीज को आगे लेकर जाना। 5 रुपए की रोटी देते थे, उस रोटी से आप क्या क्या कुछ दे रहे हैं आप? देखिए, 5 रुपए की रोटी है, जिस रोटी की वैल्यू मार्केट में जो है वो 25 रुपए है, वो 5 रुपए की दे रहे थे। जिस सब्जी फ्रूट की वैल्यू 150-200 रुपए है, वो सिर्फ 10 रुपए की दे रहे थे। और जिस चिकन की प्राइस मार्केट में 600-700-800 है, हम सिर्फ 100 रुपए की दे रहे थे। ये बता, आपके साथ हुआ क्या, लोगों ने किया आपके साथ? देखिए, कल यहाँ हजारों लोगों का एक जत्था आया था, जिनकी सिर्फ एक ही नियत थी कि इस स्टॉल को हमने सबोताज करना है, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा होगा कि कराची के लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हमारे स्टॉल पे भी हमला हुआ है, वहाँ एक और स्टॉल लगता है जेल रोड पे, उस स्टॉल पे भी हमला हुआ है। एक ही तरीके के लोग, एक ही तरीके के तरीका है वारदात, और एक ही वक्त पे ये होना, तो ये इतना जो है ना आसानी नहीं है। चिकन 100 रुपए किलो, ये बात सच है आप दे रहे थे? कितनी मुर्गियां यहाँ पे मौजूद थी? बिल्कुल, चिकन हम 100 रुपए केजी दे रहे थे, जो मार्केट में 700 की मिल रही है। और इसमें याद रहे, ना गर्दन शामिल थी, ना कलेजी शामिल थी, ना कोई ऐसी गंदी चीज शामिल थी। हम चाहते हैं कि सफेद पोश आदमी 4 से 5 लोगों की फैमिली सहरी इफ्तार अच्छी तरह से करे और रोजा रखे, सहरी करे, रोजा ना छोड़े। क्या बात है अहमद, आगे क्या प्लानिंग है? ये सब होने के बाद भी आप जो कमजोर पड़ गए या नहीं? नहीं नहीं, कमजोर हम नहीं पड़ते, हम कराची के रहने वाले पाकिस्तानी, हम जितना मुश्किल में गुजारते हैं, हमारा कोरोना में आप भी आपने देख लिया होगा, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। यही वजह है हम इतनी ज्यादा मुश्किलें देते हैं कि हम मजबूत से मजबूत होते जाते हैं, और अल्लाह भी कहता है हम इंसान को इतनी मुश्किल देता हूँ जितनी वो बर्दाश्त कर सकते। कैमरे के पीछे आवाम काफी खड़ी भी, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, कब मिलेगा? लोग अभी भी आपके लिए खड़े हुए कि हमें फ्रूट चाहिए, मुर्गी चाहिए। देखें, बात यह है कि इस वक्त हमारा 3 दिन का सामान लूट चुका है, तो अभी हमारे नामुमकिन है हम इस स्टॉल को खोले। हमारा जो रोटी बनाने का सामान था वो भी लोग यहाँ से ले गए, वो उनकी किसी काम का नहीं है। जो टोकन का सिस्टम था वो टोकन उठा के ले गए, वो मतलब वो टोकन से करेंगे क्या, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। और जो लोग आए थे सारे रोजादार लोग थे। एकदम से हमला हुआ था आपके साथ? जी, एकदम से हमला हुआ था। हम 3 साल से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था एक जत्था आएगा, डंडा बरदार और हमला करेगा, हमारे वॉलंटियर्स को मारा है, उनके कपड़े फाड़े हैं, एक वॉलंटियर हमारे घुटने पर डंडा मार दिया, अभी तक वो लंगड़ा रहा है। अल्लाह खैर करे, उसको भी अल्लाह सेहत दे। आमीन आमीन। और नाज़रीन, आपने सुनी हमाद की कहानी, बहुत ही ज्यादा इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, और जिन्होंने किया है अल्लाह उनका हिदायत दे।